हे हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है राजन कुमार एंड आप देख रहे हैं राजन एकेडमी ऑफ एजुकेशन। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास ट्वेल्थ फिजिकल एजुकेशन चैप्टर नंबर 5 चिल्ड्रन एंड वुमेन इन स्पोर्ट्स के एमसीक्यूज। तो चलिए हम लोग एमसीक्यूज देख लेते हैं। पहला एमसीक्यू है डैश मीन्स द डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड बोन्स एंड मसल्स, यानी कि चाइल्ड की बोन्स यानी कि बच्चों की हड्डियों और मसल्स यानी कि मांसपेशियों का जो विकास होता है, ठीक है, तो उनका जो डेवलपमेंट होता है, ठीक, उसको हम क्या कहते हैं। तो जो चाइल्ड की बोन्स का एंड मसल्स का डेवलपमेंट होता है, हम उसको कहते हैं मोटर डेवलपमेंट। क्या कहते हैं? मोटर डेवलपमेंट। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट इज द डेवलपमेंट ऑफ द डैश मसल्स, यानी कि जो ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट है वो किस तरीके की मसल्स से रिलेटेड है, यानी कि कौन सा, किसकी डेवलपमेंट होता है, किस मसल्स का डेवलपमेंट होता है ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट में। तो भाई इसमें जो होता है वो लार्ज मसल्स का डेवलपमेंट होता है। किसका होता है? लार्ज मसल्स का, ठीक है। तो ये है बी ऑप्शन, जो है वो सही आंसर है, बी ऑप्शन, लार्ज मसल्स, ठीक है। तो मैं इसमें आप लोगों को डायरेक्ट आंसर बता रहा हूँ। आप लोग सारे ऑप्शंस पढ़िए, अच्छे से आंसर्स करने की कोशिश कीजिए, और जब मैं आप लोगों को सही आंसर बताऊंगा तो अपना आंसर मैच कीजिए। तो चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहे हैं फाइन मोटर डेवलपमेंट जुड़ा हुआ है कौन सी मसल्स से बॉडी की, ठीक है। तो भाई ये होती है स्मॉल मसल्स से, ठीक है। स्मॉल मसल्स से जुड़े हुए डेवलपमेंट को हम कहते हैं फाइन मोटर डेवलपमेंट। डेवलपमेंट दो तरीके के होते हैं, एक होता है ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट जो कि बड़ी मसल्स से जुड़ा हुआ होता है, यानी कि वो बड़ी मसल्स का जो डेवलपमेंट होता है हम उसको कहते हैं ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट, और जो फाइन मोटर डेवलपमेंट होता है हम वो जुड़ा हुआ है स्मॉल मसल्स से, तो हम उसको कहते हैं फाइन मोटर डेवलपमेंट। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहे हैं सिटिंग क्रॉलिंग एंड वॉकिंग एक्सरसाइजेज आर वेरी नेसेसरी फॉर, तो कौन से एज ग्रुप के लिए ये सिटिंग क्रॉलिंग एंड जो वॉकिंग एक्सरसाइजेज होती हैं, ठीक है, वो बहुत ही जरूरी है। तो ये जो है इन्फेंसी के लिए, ठीक है, नवजात बच्चे जो होते हैं और जब वो 2 साल तक के होते हैं उनके लिए ये सिटिंग क्रॉलिंग एंड वॉकिंग एक्सरसाइजेज की जो प्रैक्टिस है वो होनी चाहिए, ठीक है। तो 0 to 2 years, ठीक है। तो अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहे हैं धनुरासन एंड चक्रासन आर द करेक्टिव मेजर्स फॉर, यानी कि धनुरासन करने से और चक्रासन करने से किस चीज़ में लाभ मिलता है। तो भाई कौन सी डिफॉर्मिटी है जिसमें लाभ मिलता है? देखिए, जो राउंड शोल्डर डिफॉर्मिटी होती है उसमें बहुत लाभ मिलता है। धनुरासन एंड चक्रासन जो है वो करेक्टिव मेजर्स की तरह इस्तेमाल किए जा सकते हैं राउंड शोल्डर्स की डिफॉर्मिटी को ठीक करने के लिए, ठीक है। तो चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहे हैं लॉर्डोसिस इज ऑल्सो नोन एज, यानी कि जो लॉर्डोसिस डिफॉर्मिटी है उसका दूसरा नाम क्या है, ठीक है, उसको हम हॉलो बैक के नाम से जानते हैं, ठीक है। इसका इमेज जो है वो आप जरा देखिए अपने बुक में, ये जो हॉलो बैक या हम इसको लॉर्डोसिस के नाम से जानते हैं, ये जो इमेज है देखिए कि ये डिफॉर्मिटी कैसी दिखती है, और इसके दोनों नाम आपको पता होने चाहिए, ठीक है। तो चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहे हैं बो लेग्स डिफॉर्मिटी इज ऑल्सो नोन एज, यानी कि जो बो लेग्स डिफॉर्मिटी है उसको हम लोग किस दूसरे नाम से जानते हैं, ठीक। तो भाई उसको हम कहते हैं रिकेट्स, ठीक है, रिकेट्स और बो लेग्स एक ही बात है, ठीक है। तो रिकेट्स को हम बो लेग्स के नाम से भी जानते हैं, तो आप लोगों को ये याद रखना है, बो लेग्स डिफॉर्मिटी इज ऑल्सो नोन एज रिकेट्स, ठीक है। चाहे हम ये कह दें कि बो लेग्स डिफॉर्मिटी को हम रिकेट्स के नाम से जानते हैं, ठीक है, ये दोनों एक ही चीज़ है, आप लोगों को ये याद रखना है। तो चलिए अब बढ़ते हैं, और इससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो बो लेग्स है इसका डायग्राम मैंने भी बनाया है, इसकी इमेज मैंने बनाई है, आप लोगों को अभी नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उससे अगले क्वेश्चन में दिखेगी, ठीक है। तो चलिए अब इसमें देख लेते हैं, ये जो है ना, ये है कौन सा आसन है ये जो दिखाया गया इस इमेज में। देखिए मैंने बनाया है इमेज, तो आप लोग थोड़ा देख लीजिएगा, आप लोग बताइए ठीक बना है, ठीक। तो ये जो आसन है ये, इसका नाम बताना है आपको, ठीक है। और ये जो आसन है ये काइफोसिस में बहुत जो है करेक्टिव मेजर्स की तरह यूज किया जा सकता है इसको, ठीक है। इस आसन से जो काइफोसिस है डिफॉर्मिटी, ठीक है, काइफोसिस डिफॉर्मिटी में काफ़ी आराम मिलता है, काफ़ी जो है लाभदायक है। तो ये जो कौन सा आसन है जरा कौन बताएगा कॉमेंट में, जरा बताइए मुझे, ठीक है। और चलिए मैं आपको सही आंसर बता देता हूँ, लेकिन आप लोग वीडियो पॉज करके भी कॉमेंट में पहले बता दीजिए, और फिर देखते हैं कि कौन सा
आसन जो है इनमें से है ये। ठीक, तो ऑप्शन है हमारे पास त्रिकोण आसन, चक्रासन, धनुरासन एंड भुजंगासन। तो भाई स्टूडेंट्स, ये जो डी ऑप्शन आप देख रहे हैं भुजंगासन, यही है इस इमेज में आपको जो दिखाया जा रहा है। तो चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए, अभी मैंने आप लोगों को बताया था कि एक जो क्वेश्चन था 7th वाला, उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि आगे बताऊंगा। तो बताइए मैंने क्या बताया था आप लोगों को। ठीक है, तो भाई देखिए, ये जो डिफॉर्मिटी दिखी है, दिख रही है इसमें, ठीक है, ये किस तरीके की डिफॉर्मिटी है, इसका नाम क्या है? तो भाई इसका नाम है बोलेक्स। ठीक है, यही है बोलेक्स डिफॉर्मिटी। ठीक, इसको हम रिकेट्स के नाम से भी जानते हैं, अभी मैंने बात की थी। तो चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए क्या कह रहे हैं, हाउ मेनी विमेन पार्टिसिपेटेड फॉर द फर्स्ट टाइम इन द 1900 ओलंपिक्स, यानी कि जो 1900 में ओलंपिक्स हुए थे। अच्छा, पहले तो ये बताइए जरा कमेंट में जल्दी से कि ये जो ओलंपिक्स हुए थे 1900 में, ये कहाँ पर हुए थे? ठीक है, ये मुझे बताइए जरा आप लोग कमेंट सेक्शन में। ठीक, मैं आप लोगों के पूरे जवाब दूंगा जो भी आप लोग लिखेंगे। ठीक है, कि आप लोगों ने सही लिखा या नहीं लिखा है, पूरे कॉमेंट में आप लोगों को मैं जरूर आंसर करूँगा। ठीक है, और अगले वीडियो में उनका नाम भी लूँगा मैं कि उन्होंने सही आंसर दिया। तो स्टूडेंट्स देखिए, ये कितनी विमेन ने पार्टिसिपेट किया था? ठीक है, तो भाई 14 विमेन ने पार्टिसिपेट किया था। ठीक है, 14, ठीक है, 14 विमेन ने पार्टिसिपेट किया था 1900 ओलंपिक्स में, और ये कहाँ हुए थे ये आप लोगों को कमेंट सेक्शन में बताना है। तो स्टूडेंट्स, अभी मैंने ये 10 क्वेश्चंस कंप्लीट कर दिए हैं। आगे के क्वेश्चंस के लिए आप लोग प्लीज़ मुझे बताइए कि क्या आप लोग आगे के कब वीडियो चाहते हैं इसी चैप्टर की, और सारे MCQs, जो कई सारे MCQs हैं वो अभी मुझे कराने हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करूँगा कंप्लीट करने की, लेकिन जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो अगले चैप्टर का होगा, जो भी हमारे जो टर्म वन में जो चैप्टर आ रहा है। ठीक है, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगा कि इसका एक और वीडियो बना सकूं जल्दी से जल्दी। तो स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड प्लीज शेयर दिस वीडियो टू ऑल योर फ्रेंड्स एंड क्लासमेट्स। थैंक यू।